भाई स्वागत है आपका 47 नेशन में और मैं होती आपके साथ। तो भाई आज का जो मतलब कंटेंट होने वाला है ना वो होने वाला है बहुत ही जामफाड़। मतलब मेरे साथ है मोहित भाई, मोहित मलिक, और भाई जो है इंस्टाग्राम बता दीजिए पहले आपका। @IAMM_MohitMalik। क्या बात है भाई, गाड़ी मतलब मैं इस तरीके की इग्निस आई हैव फीचर्ड लाइक 3 cars इग्निस मैंने करी है। एक करण फरीदाबाद रहता है, एक मेरा फ्रेंड है और उसका नाम क्या है भाई जो हमारा दोस्त है, अरे यार वो वाला जिसकी ग्रे कलर की है, जिसने भी ऑफ रोड एलो लगाया है, नाम ध्यान नहीं आ रहा उसका, उसने बहुत अच्छी बनाई है। बट करण के बाद सबसे बढ़िया मुझे ये दिख रही है, मतलब करण की गाड़ी देखी थी मैंने, करण के तो चलो बेचारे की गाड़ी की प्रॉब्लम हो गई थोड़ी सी, बट भाई कैलिबर्स वगैरह टोटली मतलब भाई मोहित भाई ने ना गेम चेंज किया हुआ है। इग्निस नाम की गाड़ी से बोलते हैं ना वो कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ है इन्होंने इसके अंदर, और ब्रांडिंग देख रहे हो मतलब इस तरीके की कार अगर आपको देखने के लिए मिल जाए ना मैं आपको शर्त लगा रहा हूँ, दिल्ली के रोडों के ऊपर मैंने इस तरीके की गाड़ी नहीं देखी। मैं रोज दिल्ली में घूमता हूँ, सारी चीजें करता हूँ, काम करता हूँ, बट ऐसी गाड़ी मैंने देखी। तो मोहित भाई एक चीज बताइए, आप इसको डेली रनिंग में चलाते हो कि नहीं? सही जेन्युइन अच्छा जी, सो दिस इज ओनली फॉर ट्रैक्स और या फिर कुछ पर्सनल कुछ ऑफरोडिंग? इससे ये सेटअप चेंज हो जाता है, सो अभी पूरी लोअर्ड है, अच्छा पूरी ऊपर उठ जाती है, ग्राउंड क्लियरेंस जो है मोर देन लाइक फॉर्च्यूनर से ऊपर हो सकती है ये गाड़ी फॉर्च्यूनर से ऊपर हो सकती है। आपके पास पूरी किट है? कॉइल ओवर है इसी के, सेम जो कॉइल ओवर है वो कस्टम मेड है ताइवान से। और जो सिर्फ कॉइल ओवर का जो उसका कॉस्ट आता है वो कितना आता है? सो मेरे को कॉइल ओवर 2.2K पड़े हैं, प्लस उस पे कस्टम वर्क हुआ है समवेयर अराउंड 1.3 का। अच्छा जी, सो एड ऑन कर लीजिए, सो बेसिकली 3,30,000 रुपए बोलना चाह रहे हैं कि सिर्फ कॉइल ओवर का खर्चा है इसका। ये गाड़ी देख रहे हो मतलब यहाँ पे खान साहब खड़े हुए हैं, इन्होंने ये गाड़ी तैयार करी है, ठीक है, सलाउद्दीन खान नाम है इनका। कौन कौन सी आप रेस वगैरह कर चुके हैं पहले जो बताया, परफॉर्मेंस मोड जो आप करते हैं? जैसे अभी फिलहाल हम NRC कर रहे हैं, NRC कर रहे हैं फिलहाल, इंडियन नेशनल रेल चैंपियनशिप। अच्छा जी, वो कर रहे हैं हम, तो आप परफॉर्मेंस मोड करते हैं बेसिकली, और कहाँ पे कहाँ कर चुके हैं ये? अच्छा जी, NRC करी है, रेड करी है, डेजर्ट स्टॉर्म करी है, ऑटो क्रॉस करी है, जितनी भी रैलीज होती है इंडिया में वो सारी इन्होंने सारी कर लेते हैं। तो भाई सलाउद्दीन भाई हमेशा फर्स्ट आ रही है, सलाउद्दीन भाई गुस्सा हो जाए मतलब बड़ा अच्छा लगता है देख के, खान साहब ने एकदम बेहतरीन काम करा हुआ है। तो आप कितने साल से इसके अंदर इस प्रोफेशन में? सर 15 साल हो गए। अरे क्या बात है, कहाँ है आपका वर्कशॉप वगैरह, कहाँ है? लोधी रोड पे ही है। लोधी रोड पे ही है, लोधी रोड पे किस तरफ बताइए, जनता आएगी हमारी, नेहरू स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम के पास। तो भैया जिसको भी कुछ ऐसा गाड़ी बनवानी है भाई के पास जाओ, भाई का नंबर अगर पॉसिबल हुआ तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे काम करने वाले बंदे कम मिलते हैं। और मोहित भाई जैसे मॉडिफायर जो अपनी गाड़ी को तगड़ी बनाते हैं, पैसा खर्च करते हैं मेनली 3.5 लाख रुपए के शॉकर, मैं आपको सिर्फ एक लेमन लैंग्वेज बता रहा हूँ कॉइल ओवर्स क्या होते हैं, गाड़ी को उठाना और लिफ्ट करना नीचे वाली चीज़, उन्होंने इतना खर्चा इसके ऊपर करा हुआ है। अगर मैं अपनी गाड़ी ऊपर खर्चा लगाऊं तो मैंने अगर इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा करा होगा, इन टोटल इन्होंने सिर्फ टायर के ऊपर और जिसके जो शॉकर सस्पेंशन होते हैं उस पर इतना खर्चा करा हुआ है। शॉकर में सिर्फ ऊपर नीचे नहीं होता है, इसमें हाइट तो एडजस्ट हम कर ही सकते हैं, प्लस इसके अंदर 2-way है ये, हम कंप्रेशन हो गया जब आपकी ब्रेकर आता है तो ऊपर जब टायर जाएगा तो कंप्रेशन है उसको इंडिविजुअली हम सेट कर सकते हैं, प्लस जब रिबाउंड आएगा नीचे उसको हम इंडिविजुअली सेट कर सकते हैं, उसकी सारा सेटिंग्स है। मैनुअली होता है या फिर सब ऑटोमेटिक है? और मैनुअली होता है, मैनुअली होता है, रिमोट रिजर्वायर है, सो शॉकर के अंदर से पाइप निकल के आती है बाहर और उस पाइप में रिजर्वायर लगा होता है, सो ये 2-way एडजस्टेबल रिमोट रिजर्वायर के शॉकर होते हैं और 50 क्लिक्स हैं इसके अंदर डिफरेंट। क्या बात है, 50 क्लिक्स मतलब 50 बार आप इसको जो मतलब वो है इसके लूप्स हैं, सेटिंग्स हैं, मतलब 50 सेट हैं इसके, मतलब ऊपर 1, 2, 3, 4 ऐसे 50 हैं और नीचे वाला सेपरेट अलग है। अच्छा जी, वो सेपरेट है। तो भाई टोटल 50 गाड़ी जो है आपकी कौन सा मॉडल है? 2017 डेल्टा जो बेस से ऊपर मॉडल आता है, बेस से ऊपर मॉडल आता है, एग्जॉस्ट निकला हुआ है जो साइड से आपने इसके टिप निकाली हुई है यहाँ से, तो भाई अभी एग्जॉस्ट भी सुनाएंगे, थोड़ा सा दिल थाम के रखो भाई, गाड़ी के ऊपर हुई है टोटली रैप, सारा का सारा काम करा हुआ है, बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन दी हुई है जिसके अंदर मजा आ रहा है। रैप है कि पेंट है? ये रैप है, पूरी रैप है, फुल्ली रैप है, एक एक कस्टम ने रैप किया है भाई। और भाई ये इसका नाम है गाड़ी का? लाइन ऑयल ब्रांड है, ऑयल इंजन ऑयल यूज करते हैं, नॉर्मल ऑयल नहीं यूज करते, लाइन ऑयल ब्रांड का ही ऑयल यूज करते हैं। अच्छा जी, 5W40 फुली सिंथेटिक, सो सेम ऑयल आप अपनी ऑल्टो जैसी कार में भी डाल सकते हो और सेम लैम्बोर्गिनी में भी हीट हो। अच्छा जी, परफॉर्मेंस का मतलब उसमें फर्क पड़ेगा बिल्कुल। तो मोहित भाई अगर स्टार्टिंग से फ्रंट से बात करी जाए तो क्या क्या काम है गाड़ी के अंदर मोटा मोटा, क्या अगर आप बता पाए तो? कॉइल ओवर हो गया, इसके अंदर वर्ल्ड फर्स्ट लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल है। अच्छा जी, सो ये फर्स्ट है वर्ल्ड का इस कार के अंदर। ये क्या होता है? ये लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल है, सपोज कि आपकी कोई फ्रंट व्हील कार है और एक सेकंड थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा है तो आपको आवाज़ नहीं आएगी,
हाँ जी मोहित भाई, तो जैसे आपकी कोई स्विफ्ट है फॉर एग्जांपल, तो अगर आप आगे का टायर आप ये देखोगे, आप इसको जैक से उठा दोगे, जैक से अगर आपने इसको उठा दिया टायर को और कार स्टार्ट करके आपने फर्स्ट गियर लगाया, तो ये व्हील घूमता रहेगा सर क्लच छोड़ते ही। अच्छा जी, और इसमें अगर ये किया हमने तो सिंगल व्हील पे भी ड्राइव मिलेगी आपको। तो ये कार कहीं पे भी कीचड़ वगैरह ऐसी जगह से भी कहीं पे भी फंस नहीं सकती है। सो एक तरीके से काइंड ऑफ जो 4x4 बिहेव करती है उसी तरीके से बिहेव करेगी। तो भैया टायर इसके चलते हैं इस तरीके के काम, मतलब मेरे तो दिमाग के ऊपर से कुछ बातें जा रही हैं। हम सोचते हैं मॉडिफिकेशन जो हमने करवाई हुई है वो है, नहीं वो मॉडिफिकेशन नहीं है, उसे बोलते हैं सिर्फ कॉस्मेटिक्स जो हमने अपनी गाड़ी के ऊपर करवाए हुए हैं, इसे बोलते हैं रियल मॉडिफिकेशन। जिसको अगर नाम दूं ना मैं भाई, इग्निस 2017 डेल्टा मॉडल इस तरीके की तैयार कर सकता है। अगर भैया बात करी जाए कॉस्टिंग की, अभी नहीं बताएंगे, पर अभी बताएंगे लास्ट में, वीडियो देखो पूरी, रैप देख रहे हो, उसके अंदर अलग अलग कराए हुए। यहाँ पे पूरा इन्होंने JDM का जो होता है चिन्ह, वो उसका ये वो बना हुआ है, JDM फ्लैग पूरा बना हुआ है यहाँ पे। रेस वॉर्स, थैंक यू टू रेस वॉर्स BND मोटर्स, जिन्होंने हमें भाई मौका दिया ऐसा, मतलब यहाँ पे आते हैं इनके इवेंट पे और ऐसी वीडियोस। गाड़ी लास्ट टाइम आया था मैं, बट मैं लास्ट टाइम सिर्फ घूमने आया था तो वीडियो वगैरह नहीं बनाई गाड़ियों की, बट इस बार मैंने सोचा खाली पड़ा हुआ है, दो सारे अच्छी अच्छी गाड़ियाँ दिखाएंगे आपको जो नेक्स्ट लेवल मॉडिफाइड है। ठीक है, आगे में और पीछे में जैसे आपने कैलिपर्स के करा रखे, पीछे क्यों नहीं करवाया आपने ऐसा? पीछे के लिए जरूरत नहीं होती क्योंकि ये फ्रंट व्हील ड्राइव है हमारी, तो जो हमें कंट्रोल चाहिए टर्निंग के टाइम पे ये टायर सीधा हो जाता है। तो इसमें और इसमें सीधे में और इसमें डिफरेंस क्या होता है ये अगर आप बताएं थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में? नॉर्मल कार जो आती है वो सीधे टायर्स आते हैं। हाँ जी, ये नेगेटिव कैम्बर है, तो जब आप टर्न करते हो तब जो नेगेटिव कैम्बर जो ऐसा होगा वो सीधा हो जाएगा, तो हाँ आपको टर्निंग के टाइम पे ग्रिप बहुत ज्यादा मिलेगी टर्न्स पे। क्या आप बात है, टर्न्स पे बहुत फास्ट जा सकते हैं। तो जब आपकी गाड़ी यूं होती है आप टर्न करते हैं वो ऐसी होगी, ये गाड़ी पूरी यूं जाएगी। अगर मैंने राइट टर्न किया है तो लोड सारा लेफ्ट व्हील पे आएगा, लेफ्ट व्हील पे आएगा, लेफ्ट व्हील फुल कॉन्टेक्ट मैच आ जाएगा उस पे, और जो ग्रिप है वो बहुत ज्यादा मिलेगी टर्निंग के टाइम पे। तो बेसिकली टर्निंग के टाइम पे सबसे ज्यादा टायर्स काम करते हैं क्योंकि गाड़ी का हल्का सा रेडियस चेंज हो जाता है। तो गाड़ी देख लो भाई इस तरीके की गाड़ी है, आवाज सुनाते हैं एक बार आपको, ब्रांड्स आप देख ही सके, इतने सारे ब्रांड्स भाई हैं हरियाणा से, इंस्टाग्राम पे भाई को फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है इस तरीके से, बहुत ही इजीली मिल जाएगा आपको। और भाई मतलब गाड़ी पे कुछ भी छोड़ा हुआ, देखो गाड़ी आ रही है कोई यहाँ से दिखाते हैं आपको, तो ऐसी कुछ क्रेजी गाड़ियाँ भी यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, तो भाई मोहित भाई जो लाइट्स लगाई हुई है अपने ऑफ रोड के लिए पीछे, एक्स्ट्रा लाइट्स बोल सकते हैं इसको, जैसे मैंने इस कार में लद्दाख भी किया हुआ है तो उस टाइम पे, इस गाड़ी में लद्दाख किया हुआ है आपने, तो आपने उसको उठा के लेके गए थे कि ऐसे लेके गए? उठा के लेके गए, बट स्टिल लोड थी वो, इतनी नहीं थी बट स्प्रिंग्स पे थी उस टाइम। और अगर बात करी जाए एवरेज की तो कितनी एवरेज आती होगी गाड़ी की? अगर मैं नॉर्मल ड्राइव कर रहा हूँ, लाइक ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ घर से यहाँ तक, यहाँ से घर, तो 22 की माइलेज है इसकी, 22 की माइलेज देती है गाड़ी। ओ भाई साहब, मतलब अगर इस भाई ये वीडियो कम्प्लीट करना है उसके बाद कर लेना, तो इस तरीके की मतलब मॉडिफिकेशन ना भाई, और 22 की एवरेज दे रही है ऐसी गाड़ी बनाने के बाद, इतनी ज्यादा उन्होंने सारी सारी चीज करी। अंदर भी कुछ करा हुआ है आपने इसके? अंदर भी है, इसमें कोई भी टायर सीट्स नहीं है पीछे। अच्छा जी, तो भाई देखो ऐसी नहीं खुलती इनकी डिग्गी, नॉर्मल गाड़ियों की ऐसी नहीं खुलती, इनकी गाड़ी की खुलती है, यहाँ से हटाओ इसको और तब खुलेगी। चलो भाई क्या बात है, कोई सीट नहीं है पीछे, ये बॉडी ब्रेसेस हैं ये, और नीचे हो गया प्लस रैली सीट्स है, रैली हार्नेस है, हाइड्रोलिक हैंड ब्रेक है, किल स्विच है, वो दिखाते हैं आपको आगे से। ये जो आपने इसके अंदर ये लगाए हुए हैं, एक बार हमारी जनता को बताओ कि ये लगाए क्यों जाते हैं? नॉर्मली ये क्या होता है, बॉडी में फ्लेक्स आता है जब आप टर्न करते हो, बॉडी में फ्लेक्स होता है, और खासकर जब कार थोड़ी पुरानी हो जाती है तो आपके जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें फ्लेक्स थोड़ा सा हो जाता है, तो जो फ्लेक्स है उसको ये खत्म कर देता है बिल्कुल। सो ऐसे ही 5 बॉडी ब्रेसेस और चेसी ब्रेसेस लगे हुए हैं कार के अंदर। तो भाई मोहित भाई को बिग शाउट आउट है ऐसी गाड़ी बनाने के लिए, मतलब इतनी क्रेजी गाड़ी है ना मैंने नहीं देखी, मतलब गाड़ी में कुछ नहीं है इसका, गाड़ी में सब कुछ चेंज है। आगे से दिखा देता हूँ एक बार, सीट्स देख लो इसकी भाई, सीट्स देख लो, स्पार्को की सीट्स लगी हुई है, यहाँ पे कुछ भी स्क्रीन वगैरह कुछ भी नहीं है, और गियर का अगर लीवर दिखाऊँ आपको मैं, ओ भाई साहब इसमें तो बैठा भी नहीं जा रहा वैसे। तो भाई गियर लीवर ये भाई ये किस चीज के लिए? कैन ब्लॉक ब्रेक है, तो कैन ब्लॉक किस में देखा है मैंने, व्हील लॉक करने के लिए है। अच्छा, कैन ब्लॉक आप कह सकते हो, जिस लिए कैन ब्लॉक यूज करता है उसी पर्पज के लिए। तो आप इसके ऊपर